हेलो क्लास सिक्स, आई एम रश्मि विश्वकर्मा एंड दिस इज़ योर हिंदी क्लास। टुडे वी विल रीड ग्रामर। इन ग्रामर वी विल रीड थर्ड चैप्टर। द टाइटल इज संधि ज्वाइनिंग लेटर्स। बच्चों, संधि मैं आपको बुक से नहीं बल्कि नोट से बताऊंगी। सबसे पहले आपको यह जानना है कि संधि क्या है। परिभाषा इसकी देख लेते हैं कि दो ध्वनियों के जुड़ने पर उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन या बदलाव। जब दो ध्वनियाँ आपस में जुड़ती हैं और उनके जुड़ने से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं। जैसे यह उदाहरण देखिए, विद्या धन आलय, विद्यालय। यहाँ पे हुआ क्या है कि जब हम इस विद्या शब्द में ध्वनियों को अलग करते हैं तो आ हमको लास्ट में मिलता है क्योंकि य के साथ आ लगा हुआ है, तो यहाँ पे आ ध्वनि मिलेगी। और आलय में पहला स्वर आ ही है, तो आ और आ मिलके आ बन गया। तो जब ध्वनियाँ मिल रही हैं आपस में और उनमें विकार उत्पन्न हो रहा है तो उसे ही हम संधि कहते हैं। वैसे ही दो ये और उदाहरण है, नर और इंद्र। यहाँ पे अ मिलेगा और ई, अ और ई मिलके ए बनेगा। देखिए यहाँ पर भी विकार उत्पन्न हुआ है इसलिए यहाँ संधि है। सूर्य में सूर्य और उदय का अ और ऊ मिलके ओ बनेगा, यहाँ हो जाएगा सूर्योदय। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब दो ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं और उनमें परिवर्तन होता है तो उसे हम संधि कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है संधि विच्छेद। यह तो है संधि और इन्हीं को जब हम अलग करते हैं तो वो संधि विच्छेद कहलाता है। जब संधि से बने किसी शब्द के दोनों शब्दों को अलग अलग किया जाता है तो इस प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे विद्यालय है, इसमें विद्या और आलय दो शब्दों से मिलकर बना है, हमने इन दो शब्दों को अलग किया तो यह संधि विच्छेद कहलाएगा। और इसके बीच बीच में यह धन का चिन्ह लगाया जाता है विच्छेद के समय। नेक्स्ट टॉपिक है संधि के भेद। तो संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि जिसमें स्वरों का मेल होता है, व्यंजन संधि जिसमें व्यंजन से व्यंजन का या स्वरों से व्यंजन का मेल होता है, और विसर्ग संधि में विसर्ग युक्त शब्दों का स्वर या व्यंजन से मेल होता है। तो यह तीन भेद हैं संधि के। हम स्वर संधि पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में स्वर संधि है और इसके प्रकार हैं। तो स्वर संधि में पांच उप प्रकार हैं, पांच उपभेद हैं इसके, जिसमें दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि है, यण है, अयादि संधि है। तो सबसे पहले हम दीर्घ संधि के विषय में जान लेते हैं कि क्या है। जब समान स्वर मिलते हैं तो वह मिलके दीर्घ हो जाते हैं। तात्पर्य, अ से अ मिलेगा तो आ हो जाएगा, अ से आ से आ मिल जाएगा तो आ हो जाएगा। सेम वैसे ही जब ई और ई मिलते हैं तब बड़ी ई बनती है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलते हैं तो बड़ा ऊ बनता है। कहने का मतलब ये कि जब समान स्वर आपस में मिलेंगे तो वह मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, यानी बड़े स्वर बन जाते हैं। उदाहरण देख लीजिए, जैसे यह नारी है, नारी में बड़ी ई की मात्रा और ईश्वर में ई बड़ी ई है, तो दोनों बड़ी ई मिलके बड़ी ई हो गया, शब्द बनेगा नारीश्वर। वैसे ही सती में बड़ी ई और ई में ईश में बड़ी ई, तो दोनों बड़ी ई मिलके एक बड़ी ई बन जाएगा। अब यहाँ देखिए, वधु में बड़ा ऊ है लास्ट में और उत्सव में छोटा ऊ है पहले, तो यह बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बन जाएगा, शब्द बनेगा वधुत्सव। वैसे ही दो यहाँ पे आ वाले शब्द भी हैं, उन्हें भी देख लीजिए, धर्म और अर्थ। यहाँ पे अ और ये अ मिलके बनेगा आ, धर्मार्थ। भ्रष्ट में अ और ये आ, यानी अ और आ मिलके बन जाएगा आ, भ्रष्टाचार। ऐसे ही जब दो समान स्वर मिलके दीर्घ हो जाते हैं तो वहाँ दीर्घ संधि होती है। नेक्स्ट है गुण संधि। गुण संधि की पहचान क्या है कि जब अ या आ के बाद छोटी ई बड़ी ई या छोटा ऊ बड़ा ऊ या री आता है तो इसका रूप कैसे परिवर्तित होता है। आ के बाद अगर ई आती है दोनों में से कोई भी तो ए बन जाता है, आ के बाद अगर ऊ आता है तो ओ होता है, और री अगर आता है तो अर होता है। उदाहरण इसका देख लीजिए, महा ईश, महाधन ईश, महेश,
ये ए बना है। फिर है उप पर धन उपकार परोपकार देव धन ऋषि देवर्षि। नेक्स्ट है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है कि यदि अ या आ के बाद ए आए या ओ औ आए तो उसमें परिवर्तन कैसे होता है। अ आ के बाद अगर ए आता है तो ए बन जाता है, यानी यह भी दीर्घ हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और आ आ के बाद अगर ओ औ आता है तो ओ औ हो जाता है। उदाहरण इसका देख लीजिए, सदा एव, यहाँ पे आ है और यहाँ पे ए है, ये हो गया ए, तो शब्द बनेगा सदैव। यहाँ पे वन और औषध है तो वन का अ औषध का अ, यह हो जाएगा अ वन औषध, वन धन औषध वन औषध। अगला टॉपिक है यण संधि। यण संधि में क्या होता है कि यदि छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई अन्य स्वर आता है जैसे अ उ या ए है तो यह ई य में परिवर्तित हो जाता है। उसी तरह से ऊ के बाद अगर कोई दूसरा स्वर आता है जैसे कि ये सब, तो ऊ जो है व में परिवर्तित हो जाता है, यानी ई का य बन जाता है और ऊ का व बन जाता है। उदाहरण से इसे समझ लीजिए, जैसे यह शब्द है यदि और इसमें जुड़ेगा अपि, तो यहाँ पर जो ये यदि है इसमें द और य है, सॉरी द और छोटी ई है। देखिए ये छोटी ई है यहाँ पे और यह जुड़ेगा अ से, तो हमने हमारे नियम जो हमने रूल पढ़ा है उसमें अगर छोटी या बड़ी ई के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो ई य में बदल जाता है। तो यहाँ पे तो अन्य स्वर आ गया है तो ये बन जाएगा य, यानी यह यहाँ पे जो छोटी ई है वो य बन जाएगी। और यह शब्द कैसे बनेगा, य और द हलंत है और ई जो मात्रा यहाँ पे लगी हुई थी वो य बन चुकी है और यहाँ पे पी, यह शब्द बन गया यद्यपि। वैसे ही देवी आगम, यहाँ पे बड़ी ई है यहाँ पे आ है तो यह भी परिवर्तित होके बन गया देव्यागम। नेक्स्ट है सुधन आगत, यहाँ पे ऊ है यहाँ पे आ है तो ये व बन गया स्वागत। अनु एशक, अनुधन एशक है तो यहाँ पे ऊ है यहाँ पे ए है तो ये बन गया व अनुवेशक। लास्ट अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है कि जब ए ऐ के बाद अ या आ आता है तो ए अय बन जाता है और ए आय बन जाता है। वैसे ही ओ औ के बाद यदि अ आ आ जाता है तब क्या होता है, ओ बन जाता है अव और अ बनता है आव। इसमें जैसे देखिए ये ने है और अन, तो ने और अन, ने में हमने हटाया, ने को हमने ध्वनियों को अलग किया तो यहाँ पे हमको मिलेगा ए, यहाँ पे हमको मिला ए और अ, तो ए के बाद अ आया तो ए जो है अय बन जाएगा, तो ये न यहाँ पे मैंने लिखा है इसको न, और यह अय बन के यहाँ पे आ गया और अन जो यहाँ से बचा हुआ है ये, तो ये बन जाएगा न य और न नयन। वैसे ही भो धन अन भवन बनेगा, पो धन अन पवन बनेगा और गय धन अन गायन बनेगा। इस प्रकार से आपका संधि यह समाप्त हो गया है। संधि में आपने संधि की परिभाषा देखी, संधि विच्छेद के विषय में जाना, संधि के भेद और स्वर संधि के भेदों के विषय में आपने जाना। उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।